साल की हूँ। मैं भी बाकी सभी बच्चों की तरह हूँ, लेकिन मुझमें कुछ चीजें अलग है। मेरी शक्ल से या मुझे देखने से ऐसा किसी को नहीं पता चलता है। इसीलिए शायद सब सोचते हैं कि मेरे लिए भी दुनिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि किसी और बच्चे के लिए। लेकिन मुझे भी तो नहीं पता था कि और बच्चे मुझसे अलग महसूस करते हैं। लेकिन अब कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मैं ही अलग हूँ। पर ये नहीं समझ आया कि कैसे अलग हूँ और क्यों अलग हूँ। ऑटिज्म, अपने आप में खोए रहना। मेरे आसपास के लोगों को लगता है शायद कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है और मैं हमेशा सिर्फ अपने आप में ही खोई रहती हूँ। पर मैं ये जानबूझ के नहीं करती हूँ। हर एक बच्चा वही करना पसंद करता है जिसमें उसे सबसे ज्यादा मजा आता हो, या फिर कंफर्ट मिलती हो या सुकून मिलता हो। मुझे भी खेलना बहुत अच्छा लगता है, बस मेरा तरीका अलग है। मुझे जैसे आपने देखा ना, इसकी आवाज और हाथ में जो झटका लगता है वो बहुत पसंद है। और जो चीजें शायद साधारण बच्चों के लिए मजेदार होती होंगी, जैसे औरों के साथ खेलना, वो मेरे लिए अपने टॉय से ज्यादा मजेदार नहीं है। हो सकता है कि मैं सीख सकूं, लेकिन अंदर से मैं ऐसी नहीं बनी हुई। मेरा तरीका अलग है। बच्चों को समझ आता है कि उनके पापा हमेशा उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें लेके आते हैं, कोशिश करते हैं उनके लिए कुछ अच्छा करें, या ये उनका प्यार करने का तरीका है। लेकिन वो मुझे अभी नहीं समझ में आता है। मेरा तरीका अलग है। कई बार जो मम्मी का प्यार करने का या सुकून देने का तरीका होता है, वो मुझे आराम नहीं देता, क्योंकि मेरा तरीका ही अलग है ना। लोग अपने सेंसेस को इस्तेमाल करके दुनिया में हो रही चीजों को समझते हैं और दुनिया से इंटरैक्ट भी करते हैं। हम सारी जिंदगी इन सेंसेस के जरिए अपने आसपास की दुनिया का एक नक्शा सा अपने दिमाग में बनाते हैं, और जो भी आसपास हो रही एक्टिविटीज को समझकर उन पर रिएक्ट करते हैं। इन इंद्रियों के अलावा आपको लोगों और चीजों का फर्क बचपन से ही पता होता है। परिवार में पापा और मम्मी कौन होते हैं, समाज में टीचर कौन होते हैं, ये सब देख देख कर बच्चे सीख जाते हैं। इस समझ से हमारा व्यवहार अलग अलग जगहों पे अलग होता जाता है। जैसे जैसे मम्मी और टीचर से हम अलग तरीके से बात करना सीख लेते हैं। मेरा जो नर्वस सिस्टम है, उसकी वायरिंग ज्यादातर बच्चों से अलग है, जिसकी वजह से शुरू से ही मुझे हर चीज वैसी दिखाई सुनाई या महसूस नहीं होती जैसे ज्यादातर बाकी बच्चों को होती है। कभी किसी का एक बार प्यार करने का तरीका होता है, जरा सी आवाज या कोई अलग सी अगर महक आ जाती है मुझे, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो मुझे पता ही नहीं चलती। पर ऑटिज्म में ऐसा नहीं होता कि कोई सेंस बिल्कुल काम नहीं कर रहा, बल्कि सेंसेस अलग तरीके से काम करते हैं। मान लें कि जैसे कोई फिल्टर लगा हुआ है, सिग्नल्स को अलग ढंग से समझता है, या कभी ब्लॉक कर देता है या कभी बढ़ा देता है। फिल्टर लगे होने के साथ साथ जब ये सिग्नल्स मेरे ब्रेन तक पहुंचते हैं, जिस तरह मेरा ब्रेन इन सिग्नल्स को समझता है वो भी अलग है, जिसके कारण मेरा रिस्पांस, मतलब जो मैं सिग्नल्स के बाद समझकर और रिस्पॉन्ड करती हूँ, वो भी अलग हो सकता है, और इसलिए मेरा व्यवहार भी अलग दिखाई देता है। ऑटिज्म में ब्रेन की बनावट कुछ इस तरह की होती है कि लोगों की तरफ इतना रुझान नहीं होता जितना चीजों की तरफ होता है। इसलिए लोगों और चीजों की दुनिया अलग कैसे है, क्या फर्क है इसमें, मुझे समझना मुश्किल लगता है। पर मैं सीख सकती हूँ। दोस्ती और रिश्तों के सलीके मुझे अलग ही तरीके से समझ आते हैं। आप और मैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग नहीं है, बस ऑटिज्म मुझे इस दुनिया को आपकी तरह समझने से रोकता है।
मगर आप अगर कोशिश करें तो मेरी तरफ की दुनिया को समझ सकते हैं। और फिर धीरे धीरे हम शायद एक दूसरे को भी समझने लगे, है ना?